अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके टेक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने गूगल की सर्च हिस्ट्री या वॉच हिस्ट्री आप कमल तौर पर आप डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अक्सर होता यह है कि आप गूगल पर कुछ इस तरह की चीज़ें वॉच करते हैं या आप सर्च करते हैं कि आप चाहते हैं कि वो आपके अलावा कोई और ना जान पाए या कोई और ना देख पाए कि आपने क्या चीज़ सर्च की है या आपने क्या चीज़ वॉच की है। बाद अगर आपके कोई करीबी दोस्त या रूममेट या क्लासमेट अगर आपसे चंद लम्हों के लिए भी आपको मोबाइल कोई मांग ले तो आप उसे अपना मोबाइल देते हुए हिचकिचाते हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपने कुछ भी अपने मोबाइल में वॉच किया है या सर्च किया है तो कहीं आपके अलावा भी ये सब कुछ कोई जान ना ले। आपने किस तरह अपने गूगल की सर्च हिस्ट्री या वॉच हिस्ट्री आपने मुकम्मल तौर पर डिलीट कर लेनी है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद मालूमात आपको मिलती रहें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने गूगल की सर्च हिस्ट्री आप मुकम्मल तौर पर आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में मौजूद ये क्रोम ब्राउज़र है, आप इसे ओपन कर लें। यहाँ पर आपने ये जो राइट साइड पे आपको तीन डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने ये जो आपको हिस्ट्री लिखा नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी कि जो आपने सर्च किए हैं या जो भी आपने वॉच किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी आज की तारीख में या पिछले 10 दिन में या 1 महीने में या 1 साल में जो कुछ भी मैंने सर्च किया है या वॉच किया है वो सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी हमने इसे किस तरह यहाँ से रिमूव कर देना है, यानी हमने इसे किस तरह मुकम्मल तौर पर डिलीट कर देना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये जो आपको लिखा नज़र आ रहा है क्लियर ब्राउजिंग डेटा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आपको ये लिखा नज़र आ रहा है टाइम रेंज, यानी आप कितने टाइम तक की हिस्ट्री आप डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लास्ट आवर यहाँ पर लिखा है, यानी जो गुज़िश्ता 1 घंटा गुजरा है उसके दौरान जो कुछ भी सर्च किया गया है या वॉच किया गया है उसे डिलीट कर लेना है। तो अगर आप मुकम्मल तौर पर 1 महीना पहले या 1 साल पहले की आपने तमाम चीज़ें डिलीट करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दें। तो ये आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं, लास्ट आवर, लास्ट 24 आवर, लास्ट 7 डेज, लास्ट 4 वीक्स, ऑल टाइम। तो इसमें से आप अपनी मर्जी का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें, यानी अगर आप गुज़िश्ता 1 घंटे की हिस्ट्री को आप डिलीट करना चाहते हैं या आप 24 घंटे की हिस्ट्री को आप डिलीट करना चाहते हैं या 7 दिन की या 4 हफ्तों की। यहाँ पर यह जो लास्ट में ऑप्शन है ऑल टाइम, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपकी महीनों नहीं बल्कि सालों की हिस्ट्री भी डिलीट हो जाएगी। आपने गुज़िश्ता सालों में भी अगर कुछ सर्च किया है या आपने वॉच किया है वो तमाम चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। तो बेहतर यही रहेगा कि आप यहाँ पे ऑल टाइम पे आपने क्लिक कर देना है ताकि मुकम्मल तौर पर हर चीज़ डिलीट हो जाए जो भी आपने वॉच किया है या जो भी आपने सर्च किया है। तो मैं यहाँ ऑल टाइम पर क्लिक करने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम रेंज में हमारे पास यहाँ पर ऑल टाइम सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपने यहाँ क्लियर डेटा पे आपने क्लिक कर देना है। एक बार फिर आप यहाँ क्लियर पे क्लिक कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ देर पहले हिस्ट्री में आपको हजारों की तादाद में आपको ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे थे कि जो भी मैंने सर्च किया हुआ था या जो भी वॉच किया हुआ था, और अब आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री बिल्कुल खाली हो चुकी है, यानी यहाँ पर अभी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो यह तरीका है, इस तरीके से आप मुकम्मल तौर पर अपने गूगल की हिस्ट्री को आप डिलीट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें।